आज गुल्ली बुल्ली अपने दोस्त केविन के घर जा रहे हैं क्योंकि केविन मुसीबत में है। उसके गांव में एक किलर रहता है जो कि उसको मारना चाहता है। केविन ने गुल्ली बुल्ली से बताया था कि उस किलर के डर से पूरे गांव के लोग गांव को छोड़कर चले गए हैं। वही अकेला बचा हुआ है, वो भी कल जाने वाला है, लेकिन उसे डर लग रहा है कि रात को वो किलर आकर उसे मार ना दे, इसीलिए उसने गुल्ली बुल्ली को अपने घर बुलाया है। इस गांव को देखने पर लगता है कि सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि ये गांव बहुत ही सुनसान और वीरान जगह पर है। Make mommy proud, Jason. Don't let them escape. कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली केविन के घर पर पहुंच जाते हैं। बुल्ली गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गुल्ली वहीं पर कुछ सोच रहा है। अरे गुल्ली, वहां पर क्या कर रहे हो? जल्दी घर के अंदर चलो। बुल्ली, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं केविन की बात सच तो नहीं है, कहीं सच में किलर तो नहीं है। अरे गुल्ली, क्या तुम भी केविन जैसी बातें कर रहे हो? वो कोई छोटा मोटा चोर होगा जिसे केविन डर गया होगा। चलो घर के अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और गुल्ली दरवाजा बंद कर देता है। केविन उनसे बोलता है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मुझे बहुत ही डर लग रहा था। अरे केविन, तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम घर पर अकेले हो, फिर ये लोग कौन हैं? मुझे लगा कि तुम लोग नहीं आओगे, इसलिए मैंने अपने दोस्त जिमी को बुला लिया। और इन अंकल का पेट्रोल खत्म हो गया था। तुम मुझे अंकल मत कहा करो, मेरा नाम जॉन है, तुम मुझे अंकल जॉन भी कहकर बुला सकते हो। अरे अरे, ये क्या, गुल्ली बुल्ली जिसे छोटा मोटा चोर समझ रहे थे वो तो सीरियल किलर जेसन है, जिसने गुल्ली बुल्ली के जीप को देख लिया है। अब वो समझ चुका है कि इस गांव में कोई ना कोई तो जरूर आया हुआ है। तभी घर से बातें करने की आवाज आती है। जेसन समझ जाता है कि जो लोग आए हैं वो इसी घर में हैं। अरे ये दरवाजा कौन पीट रहा है? रुको मैं देख रहा हूँ।